वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको ज्यादा पकाने नहीं वाली, मतलब मैं ज्यादा बकबक नहीं करने वाली। Wait a minute. Who are you? तो मेरा मतलब ये था कि आज के वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली, इट मीन्स मैं कोलैब करने वाली हूँ एक मधुबनी आर्टिस्ट के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन कि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंच जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक आर्ट चैलेंज किया था ब्रोशेस, जिसका टॉपिक था जो मैं रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने अपलोड किया था और जिसमें मैंने बोला था कि जिसके हाईएस्ट कमेंट होंगे मैं उनके साथ वीडियो कोलैब करूंगी। सो उसमें जो आर्टिस्ट थे जिनका हाईएस्ट वोट आया था, दैट इज ज्योति कुमारी। एंड आई एम सीरियसली सेइंग कि उनका आर्ट रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं पर्सनली, मुझे बहुत पसंद आया था उनका मधुबनी आर्ट। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, कल्पा तरू नेम से उनका आईडी है। एंड आप उनकी पेंटिंग्स देख सकते हो, इतनी सुंदर सुंदर है पेंटिंग्स है। आई मस्ट से कि आप इन्हें फॉलो करो। एंड लेट्स सी, उनका हम वीडियो देख लेते हैं और लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लास्ट में मैं कुछ और भी आपको बताऊंगी इनके बारे में। सो लेट्स सी द वीडियो। हेलो, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं आज आप लोगों के लिए मधुबनी पेंटिंग का ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें राधा पनघट जा रही है और श्याम बांसुरी बजा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। आपको इनकी पेंटिंग? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है मधुबनी आर्ट। एंड आई मस्ट से कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए और इनकी जो ये वीडियो है उसकी फुल स्लो ट्यूटोरियल जिसे आप सीख सकते हो वो इनके यूट्यूब अकाउंट पे है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगी, आप डेफिनेटली उन्हें फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा
एंड अगर आपको मधुबनी पेंटिंग सीखने का शौक है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये बच्चों को मधुबनी पेंटिंग भी सिखाती है। सो आज के लिए इतना ही, एंड जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से, एंड प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, हेल्प मी टू ग्रो।